हेलो किड्स बेटा, क्लास 8th की मैथ ही स्टार्ट करवाने वाली थी, लेकिन चैप्टर खोल के देखा तो उसमें पता चला कि प्लस माइनस के इक्वेशंस में बच्चे फिर अटकेंगे। तो मुझे लग रहा है बेसिक मैथ के 8-10 वीडियो और डालने पड़ेंगे पूरा बेस क्लियर करवाने के लिए। ज्योमेट्री में जो नीड थी वो मैंने डाल ली है, फिर भी आप मुझे बताना तो मैं डाल दूंगी। अब हम अच्छे से समझेंगे। शायद आपको यूट्यूब पे करवाए या नहीं करवाए, इसके बिना बेटा ना बोर्ड मास रूल कर सकते हैं ना कुछ और। आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल्स भी करवाए थे, उसके बाद मैं आपको अब लेके आई हूँ इक्वेशंस पे। इक्वेशन नाम ऐसा है कि प्लस माइनस वाले रूल्स ही हैं और कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जो बच्चा नहीं कर पाया, मेरा देखो सिर्फ इतना सा है, जहाँ हमने धक्के खाए बेटा वहाँ आप ना खाओ। और आपको मतलब आपको मिले वो चीज़ सीखो बेटा। आप आजकल लोग वही है ना, मतलब कोई क्या बताता है कोई क्या, उस पे ध्यान नहीं देना। आप यहाँ ध्यान दें, इस पे ध्यान दें। जो मेरे करवाए हुए 10-20 वीडियो कर लोगे ना, मैथ्स में चल पड़ोगे आप, किसी से भी कुछ भी टेंशन नहीं रहेगी। तो प्लीज़ इधर ध्यान दो। देखो बेटा, ये है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ऑल पॉजिटिव का मतलब जो हम आज तक ऐड करते आ रहे हैं, जो हम आज तक क्या करते आ रहे हैं बेटा जी, ऐड करते आ रहे हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब सारी प्लस के डिजिट होंगी, आपको याद हो कैसे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इस चीज का ध्यान रखना। ये इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि सारे किसके हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा सारी प्लस की होंगी डिजिट, सारी संख्याएं, सारे नंबर प्लस के होंगे, ठीक है। तो वो ऐड होंगे, हम करते आए वो, हमें पता नहीं क्यों होता बेटे, रूल्स होता है। 5, 4, 9, 9, 3, 11, 11, 2, 13 और ये हो गया 14, ठीक है, सॉरी 15 हो गया। अब मान के चलो मैं और कोई नंबर ले लूँ, मैं सिर्फ एक ऐड करना बता रही हूँ, मैंने कोई 2 ले लिया, हाँ कितने भी प्लस के बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, कितने भी डिजिट नंबर हो प्लस के, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझना। जितने भी चाहे 10 डिजिट हो प्लस की, चाहे 20 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, उनको ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13 आ गया, बट किसका आएगा। देखो साइन लगाओ तो आपकी मर्जी है, साइन नहीं लगाओ तो आपकी मर्जी है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जिस वीडियो की, सॉरी जिस नंबर के कोई साइन नहीं होता है वो हमेशा प्लस की होती है, हम आज तक काउंटिंग पढ़ते आ रहे थे। तो ये किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब देखो मैंने कोई भी ले लिया, जैसे 1 प्लस कुछ भी ले लेना बेटा, मैं कोई मतलब 0 भी आ जाएगा, 2 भी। एक बात याद रखना, 0 ना तो प्लस का होता है, ये बात आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है। 0, नो नेगेटिव, ठीक है, नो नेगेटिव एंड 0 जो होता है, 0 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 0 की। 0, नो नेगेटिव एंड नो पॉजिटिव, किसी का नहीं होता 0, याद रखना इस चीज को। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इस चीज का ध्यान रखना। 1 प्लस 5 प्लस कितने भी नंबर आ जाएं उनको ऐड कर देना बस। 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए, 10, किसके, प्लस के। देखो जैसे मैंने 10 राइट किया, ये 10 प्लस लगाऊं तो भी ठीक है, 10 लिखूं तो भी ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर आप प्लस लगाओ तो भी ठीक है, प्लस ना लगाओ तो भी ठीक है बेटा जी, इतना ध्यान रखना। अब हम अगले पे चलते हैं, थोड़ा सा समझते जाना, बहुत अच्छे 2 मिनट में सीख जाओगे आप। उसके बाद है बेटा ऑल नेगेटिव, ये थोड़ा सा पड़ता है बट सेम है। ऑल नेगेटिव मतलब चाहे 5 डिजिट हो, चाहे 6 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट हो, देखो ये -2, -3, -1, -9, -1, ये मैंने ऐसे कितने भी डिजिट दे दिए, एग्जाम्पल भी ले लूँ मैं, जितनी भी डिजिट्स हो, 2 हो, 3 हो, सारी माइनस की हैं, ऐड होंगी, याद रखना। जितनी भी माइनस की डिजिट हैं ऐड होंगी बेटा, और साइन भी किसका लेके आएंगी, माइनस का, दोनों सेम होते हैं। जितनी भी प्लस की डिजिट होती है वो भी ऐड होती है, साइन प्लस का लेके आती हैं, और जितनी भी माइनस की डिजिट्स होती हैं तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और साइन किसका लेके आती है, माइनस का लेके आती है। अब देखो इधर ये कितना हो गया, छोटा छोटा लिख लेती हूँ ताकि करने में आसानी रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया बेटा, कितना हो गया, 13। इनको भी ऐड करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं कोई भी, जैसे -1 आ गया, -2, -3, -1, -1, कितना भी आपका मन करे वो, इजी वे में, कि उसको फिर क्या करके करेंगे बेटा, ऐड करके राइट करेंगे। सारी डिजिट माइनस की होंगी, ऐड करेंगे, जुड़ेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा।
जितनी भी माइनस की डिजिट होती हैं, ऐड होती हैं, साइन किसका लेके आती हैं, साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि सारी माइनस की हैं। अब ये मत माइंड लगा देना ये तो माइनस की आ रही है तो लेस होंगी, इतना नहीं करना है। जितनी भी माइनस की डिजिट हो, प्लस माइनस की बात हो रही है, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रही मैं, ना डिवाइड की बात कर रही हूँ मैं, प्लस माइनस इक्वेशंस बनती है ये सम्स जिसको हम कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो हम उसको क्या कर देते हैं, जितने भी माइनस के होंगे ऐड करेंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखो माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया, 13 मैंने लिखा, समझना मेरी बात। और 13 के आगे देखना क्या लगाऊंगी, ये मेन है, ये माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सारी डिजिट किसकी है, माइनस की है, सारी डिजिट किसकी है, माइनस की। अब ये देखो 2, 3, 6, 6 और 4, 10, 13, 14, 15, ये आगे 15, साइन किसका आएगा, देखना मैंने माइनस का लगाया, क्योंकि बेटा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी पे ही 100% क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं ऐड करने में। अब हम आते हैं रूल नंबर थर्ड पे, वो प्लस की ज्यादा हो या फिर माइनस की ज्यादा हो। अब देखो रूल नंबर थर्ड पार्ट नंबर, ये फर्स्ट इसलिए दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगी और नेगेटिव प्लस के भी साथ में होंगी और माइनस के भी साथ में होंगी, तो अब हमें ध्यान देना है। देखो बेटा इसमें क्या रहता है, मोर प्लस का क्या रहेगा, मैं आपको इसी में मतलब करके बताऊंगी। मैंने जैसे राइट करा 20, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने करा 20, ये प्लस का है, ठीक है, और ये किसका है, माइनस का है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ चेक करो, ये हम करते आए वैसे, प्लस का 20 माइनस का 10, प्लस का 20 माइनस का 10, देखो बेटा किसका ज़्यादा है, ज़्यादा किसका है, प्लस का 20 ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, प्लस का 20, तो प्लस के 20 में से, या फिर सीधा कर दो 20 में से ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, ध्यान रखना ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, 20 में से 10 लेस किया, क्या है 10, ठीक है मैं समझ गई। लेकिन इस बात का ध्यान रखना ये प्लस 20 है और ये माइनस 10 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th, 6th, 7th कोई भी क्लास का बच्चा हो, 8th का कोई भी हो, 7th का, प्लस 20 माइनस 10, ये प्लस का ज़्यादा था तो यहाँ किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। फिर बता देती हूँ एक एग्जांपल और, जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे समझ नहीं आएंगे। देखो अगला मैंने लिया प्लस 5 माइनस 2, मैंने लिया प्लस 6 माइनस 3, मैंने लिया प्लस 7 माइनस 2। अब मेरी बात ध्यान से समझते जाना, देखो कैसे, इसमें क्या करेंगे, ये 5 में से 2 लेस किया, क्यों, ये देखो इसके बड़ी, पहले बड़ी डिजिट चेक करो, बड़ी डिजिट कौन सी है, पहले बड़ी डिजिट चेक करो, बड़ी डिजिट दोनों में से कौन सी है, प्लस 5 है, प्लस 5 ले ली। अब क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस की बात हो रही है, तो प्लस 5 में से माइनस 2 लेस किया, 3 बचा, ओके, बट किसका बचा नहीं पता, जिसका बड़ा डिजिट है, मतलब जो बड़ी डिजिट है और उसके साइन क्या है वो चेक करो, साइन किसका है, प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ किसका लग जाएगा, प्लस का, वापस चेक करो, प्लस का 6 है, माइनस का 3 है, वही बड़ा कौन है, 6 है, और 6 में से 3 लेस किया तो कितना बच गया, 3 बच गया, कितना बच गया बच्चों, 3 बच गया, और प्लस 6 और माइनस 3, प्लस 6 और माइनस 3, तो प्लस 6 में से 3 लेस किया, हो गया, लेकिन किसका ज़्यादा है, हमें ज़्यादा ही तो चेक करना है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा ये है, और ज़्यादा किसका है, प्लस का ज़्यादा है, तो साइन किसका लगेगा बेटा, प्लस का ही लगेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये जैसे प्लस 10 है और सॉरी प्लस 7 है, माइनस 2 है, ठीक है, 7 में से 2 क्या किया, लेस किया, तो क्या आया बेटा, 5 आया, क्या आया, 5। अब मेरी बात फिर सुनना, इसमें किसका ज़्यादा है बच्चों, किसका ज़्यादा है, यहाँ पे भी प्लस ज़्यादा है, ठीक है, किसका ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है, तो साइन भी किसका लगेगा, प्लस का। अब देखना मैं इन्हीं को पलट रही हूँ, मेरी बात सुन लेना, अभी इन्हीं को मैं चेंज कर रही हूँ, कैसे, जैसे मैंने माइनस 2 आगे लिया, फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड था, ये थर्ड, और ये कौन सा है बेटा जी, फोर्थ। आज पढ़ लेना, आज के बाद पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये आ गया माइनस 2, फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल से ले रही हूँ मैं, ठीक है, कोई भी वो अपना सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा ना, माइनस 2 प्लस 5। अब देखना मैंने डिजिट चेंज कर दी बेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने लिखा माइनस 3 प्लस 6, फिर देखना मैंने 4 को लिखा, इन्हीं को चेंज कर रही हूँ, आगे पीछे कर रही हूँ मैं इन्हीं को,
माइनस टू प्लस सेवन। अब बच्चे क्या करेंगे, हो गया टाइम टाइम फिक्स कारण, अब क्या करूं, ये तो मैम ने बताया था बड़ा, तो क्या दिक्कत है भाई, दो बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा इसकी भाई हाइट में मानती हूँ ज्यादा है ये लोग, एक बेचारा छोटा बच्चा, छोटे को चाहे इधर खड़ा कर दो चाहे इधर रहेगा तो छोटा बड़ा ही, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, इससे फर्क पड़ता है क्या, हाइट किसकी ज्यादा है, तो बड़ा ही रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना वो चीज़ है। तो ये बच्चे जैसे ये बड़ा है तो बड़ा रहेगा छोटा, अभी इनमें से ये चेक करो बड़ा कौन सा है, फाइव बड़ा है, ठीक है फाइव बड़ा है, ओके बिगेस्ट कौन है, फाइव है, इसमें फाइव बड़ा है, फाइव में से माइनस टू क्या कर दो, लेस कर दो, माइनस टू क्या कर दो, लेस कर दो, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, याद रखना माइनस ही होगा, जोड़ नहीं होगा, ऐड नहीं होता, लेस ही होगा, मैं बार बार कह रही हूँ लेस होगा, घटेगा घटेगा, तो प्लस फाइव में से माइनस टू लेस करो, कितना आएगा, थ्री आएगा। बच्चों मैंने ऊपर कुछ कहा था, थ्री तो आ गया लेकिन किसका आएगा बताओ, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी किसका बोलबाला है, यहाँ पे कौन ज्यादा चलती है, किसकी चल रही है, यहाँ पे भी प्लस की चल रही है, तो क्या साइन आएगा बेटा, प्लस का साइन आएगा। इसी तरह मैं अगले की बात कर लेती हूँ, इसमें देख लो प्लस का सिक्स है, ये वाला किसका सिक्स है बेटा जी, प्लस का वही सिक्स है, ठीक है मैं माइनस कर रही हूँ, प्लस का सिक्स माइनस का थ्री, प्लस का सिक्स माइनस का थ्री, बड़ा कौन सा है, सिक्स है, सिक्स में से थ्री लेस किया क्या बचेगा, थ्री बच गया, फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर कंफ्यूजन में हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करना है बताऊं, किस बड़ी डिजिट के कौन सा साइन है, बड़ी डिजिट के कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, फिर देखो आगे पीछे कर दिया, तो यहाँ प्लस सेवन बड़ा है, टिक कर लिया, सेवन में से टू लेस किया, फाइव बचा, अब दिक्कत ये हो रही है साइन किसका लगाऊं, तो प्लस का लगाऊं, क्यों लगाऊं, क्योंकि मेरी डिजिट प्लस वाली क्या है, बड़ी है, और एक बात और याद रखना, बच्चे कंफ्यूजन में गड़बड़ कर देते हैं, ये साइन इसका है, ये साइन इसका है, ध्यान रखना ये साइन इसका है, और की कोई भी हो जी मल्टीप्लीकेशन में हो, ये साइन इसका, इन चीज़ों का ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत लगा देना, ये साइन इसको शो करता है, ये साइन इस पे लगा, मतलब कहने का ये है, ये प्लस की सेवन है और ये माइनस की टू है, ये थे प्लस के रूल्स, ठीक है। अब हम आते हैं जब माइनस ज्यादा हो, जब क्या ज्यादा हो, माइनस का क्या हो, ज्यादा हो, देखो थर्ड के बाद मैं इसमें इसने फर्स्ट लिया था, मैं थोड़ा सा इसको रूल फोर लिख देती हूँ, ये हो गया मेरा रूल फोर, इतना कि हाँ मोर देन प्लस और ये सब करके, रूल फोर में देखना क्या करेंगे, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव वही आएगा, लेकिन समझने की जरूरत है क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव ज्यादा होगा, मोर नेगेटिव नंबर एंड माइनस क्या रहेगा एंड लेस, नहीं सिंपल ही करवा देती हूँ इसको, इसको छोड़ो आप, सिंपल सा करवा देती हूँ, बस समझ नहीं लेना कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, देखो बेटा मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ सेम एज इट इज, यहाँ कोई माइनस की डिजिट ज्यादा होगी, बस इतना ही था, यहाँ प्लस की ज्यादा थी तो यहाँ माइनस की मैंने लिया माइनस फाइव प्लस थ्री, मतलब मेरा कहने का मतलब इतना है कि यहाँ माइनस की ज्यादा रहेगी, माइनस टेन प्लस सिक्स मैंने ले लिया, कोई थर्ड एग्जाम्पल माइनस ट्वेंटी प्लस टेन, इन्हीं को मैं चेंज भी करके लिख देती हूँ, सेम ही दोनों फॉर्म में आ सकते हैं, ये देखना, जैसे माइनस ट्वेंटी प्लस टेन, ठीक है कोई भी इन्हीं को लिख रही हूँ मैं, उसके बाद कैसे आएगा देखो, ये आ जाएगा माइनस फाइव माइनस टेन, ये मैंने इसको अपोजिट करा थर्ड वाले को, फर्स्ट वाले को अपोजिट कर रही हूँ, पहले देखना फर्स्ट वाले को अपोजिट मतलब प्लस थ्री पहले माइनस फाइव बाद में, बच्चे गलतियाँ करते हैं बेटा इसमें, थोड़ा ध्यान देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने के लिए हम सीख जाएंगे। ये देखो मैं इन्हीं को प्लस फाइव को आगे ले आई माइनस थ्री को आगे, इनको अपोजिट करके लिख रही हूँ, फिर मैंने किस में लिखा थर्ड में प्लस टेन को आगे लिखा माइनस ट्वेंटी को बाद में, अगर आपने ये सीख लिया ना मैथ में कहीं गड़बड़ नहीं होगी आपसे, ये पक्की बात है, इसलिए प्लीज़ ध्यान दे बेटा, आप जैसे खेलते हैं खाते हैं सब करते हैं ना, तो हमें इसको भी टाइम देना चाहिए, फिर कहते हो हमें तो पढ़ना नहीं आता, हमें ये नहीं होता, हम करते ही नहीं, जिस चीज़ को हम टाइम नहीं देंगे वो कहाँ से होगी,
हमें, चलो हम मानते हैं सब बच्चा की कैचिंग पावर में मानते हैं, एक जैसा नहीं होता बट करने से सब होता है। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो। अब देखो माइनस फाइव प्लस थ्री, मेरी बात समझना, किसका ज्यादा है पहले, ज्यादा कौन सा, फाइव है। ठीक है, फाइव में से थ्री लेस कर दो, कर दिया मैडम, कितना, फाइव में से थ्री लेस किया कितना आ गया, ये लो भाई टू आ गया। ठीक है भाई टू आ गया। अब टू के बाद अब फिर प्रॉब्लम आई, साइन किसका, बेटा बताया था साइन वही लगेगा, साइन किसका, साइन ये फाइव किसकी है, बड़ा किसका है, माइनस का है, तो क्या लगा दो, माइनस का। और इतना याद रखना, घटाने हैं नंबर, जोड़ने नहीं, घटाने हैं, लेस करने हैं, नंबर जुड़ेंगे नहीं घटेंगे इनमें। अब देखो अगला, माइनस टेन और प्लस सिक्स, फिर प्रॉब्लम आई, अच्छा बड़ा कौन सा है, टेन बड़ा है, कौन बड़ा है, टेन बड़ा है, पता चला मुझे कौन बड़ा है, टेन बड़ा है, तो टेन में से सिक्स को क्या किया, लेस किया, क्योंकि घटाना होता है, इनमें घटाना नहीं होता है, जोड़ना होता है, साइन वही आता है, इनमें क्या होता है, घटाना होता है, साइन वो आता है जो बड़े डिजिट के पास होता है। माइनस टेन प्लस सिक्स, तो बचा कितना, फोर। अब फिर प्रॉब्लम आई, साइन क्या लगाऊं, अब फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस टेन है, सॉरी टेन माइनस का है, टेन टेन के कौन सा साइन है, तो माइनस का साइन है, अच्छा फिर दिक्कत आई, तो फिर चलो 20 में से 10 को लेस करो, तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। अब फिर प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये साइन इसका है और ये साइन इसका है, ये साइन आपस में इन्हीं के ही है, ये जो मैंने लगा दिया उन्हीं के, ये 20 माइनस है, अब बड़ा है, बड़ा चेक करो, ठीक कर दिया बड़ा चेक भाई, अब क्या करूँ, लेस करना था लेस भी कर दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं साइन किसका लगाऊँ, कन्फ्यूज हो जाते बेचारे, तो अब क्या करना है भाई, ये बड़ी डिजिट जो है किसकी है, माइनस की है, तो क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब बच्चे देखना ऐसे आगे पीछे लिखने से कहेंगे, ये तो मुझे करवाया ही नहीं था, ऐसे बोलते हैं सीधा, मैंने काफी को करवाया है, ट्यूशन्स भी दे रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे, तो कहते मैम ये नहीं करवाया था, ये नहीं करवाया, ये करवाया है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बच्चों से जुड़ी हुई तो मुझे पता है बच्चे कहाँ से, मतलब पता नहीं, वो बच्चे बताते हैं, उन बच्चों से फ्रेंक हूँ कि मैम ये दिक्कत है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, प्लीज़ सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कंपटीशन वाले खूब बच्चे, आगे जाके इनके टाइम में कंपटीशन बढ़ेगा घटेगा नहीं, इसलिए ध्यान दें। देखिए इधर, इसमें प्लस का थ्री माइनस का फाइव है, प्लस का क्या है थ्री है और माइनस का क्या है फाइव है, फिर बच्चों सेम रूल है, बड़ा चेक करो, कर लिया, कौन है, फाइव है, फाइव में से थ्री लेस कर दो, कितना आएगा, टू आएगा। मैम फिर दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, बेटा साइन चेक करो ना, किसका साइन है, साइन चेक करो, फाइव के कौन सा साइन है, मैम माइनस का साइन है, क्यों, क्योंकि बड़ी के कौन सा साइन है, माइनस का, तो कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। मैडम फिर दिक्कत आई, तो बेटा फिर करो, कहाँ दिक्कत आई, ये लो ये इसका साइन और ये इसका साइन, ओके अच्छा, टेन टेन बड़ा है, टेन में से सिक्स को क्या कर दिया, लेस कर दिया, देखो ये आगे पीछे वही नंबर है, मैंने उन्हीं को अपोजिट में लिखा है, आगे पीछे कर दिया, वही सेम आ रहा है आंसर, माइनस टेन है, प्लस का सिक्स है, बड़ा कौन सा है, प्लस का बड़ा है, प्लस का बड़ा है तो क्या आएगा, प्लस का सॉरी माइनस का बड़ा है, किसका बड़ा है, माइनस का, टेन में से सिक्स को लेस किया, फोर आया, साइन किसका आएगा, बताओ साइन किसका आएगा बच्चों, साइन मैम कौन सा आएगा, पता नहीं, साइन देखो बड़ी डिजिट के जो साइन है वही हमारा साइन आएगा। फिर प्रॉब्लम आई, तो फिर चल लेते हैं, प्रॉब्लम आई तो देखो बेटा अब क्या करेंगे, प्लस टेन माइनस ट्वेंटी, मैम फिर दिक्कत आई, बड़े को पकड़ लो बस आप तो, बड़े को, और वैसे भी हमें पता है घर में बड़े की चलती है, छोटे बच्चे को, ये बेचारा कोई छोटा बच्चा है, देखो ये छोटा बच्चा है, मुंह लटका के खड़ा हो गया है, ये बड़ा है, भाई सबको पता है डिशोम डिशोम होगी तो ये ज्यादा मारेगा इसको, पता है ना, ये भाई कोई भी हो बड़े हाइट, बड़ी हाइट वाला चेप देगा, सीधी सी बात मारेगा, वो तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, तो ये बेचारा माइनस कम चल रहा है ना, बड़ा कोई भी हो, माइनस का हो प्लस का हो, तो वो तो भारी पड़ेगा। देखो इधर प्लस टेन माइनस ट्वेंटी, बड़ा कौन सा है, ट्वेंटी, ट्वेंटी की दादागिरी ने कहा, ट्वेंटी में से टेन लेस कर दिया, ठीक है टेन आ गया, ओके भाई आ गया। अब कह रहा है साइन किसका लगेगा, तो ट्वेंटी कह रहा है रजिस्ट्री तो मेरे नाम पे होगी, क्योंकि मैं जाता हूँ यहाँ पे, ट्वेंटी ने कहा रजिस्ट्री मेरे ही नाम पे होगी, बोला क्यों, टेन बोला क्यों नहीं होगी, तो बोला कि मैं ज्यादा हूँ, कौन ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा हूँ, तो मैं मतलब उसकी मैं आ गई ना, तो ये माइनस का ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक साथ, दो मिनट और रुकना बेटा, एक साथ मैं आपको रूल्स करवा देती हूँ बस। कौन से रूल्स? अब इक्वेशन ये थी अलग अलग सोल्व करने वाली, एक साथ मतलब ये ऐसे वाली कि कैसे, जैसे अब आपको मिलेंगे कैसे, ये तो मैंने अलग अलग करवाए। अब मैं करवा रही हूँ एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल करवा के मैं आपको फ्री कर दूंगी। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये 5 आ गया, प्लस 6 आ गया, माइनस 2 आ गया, प्लस 2 आ गया, माइनस 1 आ गया, फिर कोई ब्रैकेट आ जाता है, फिर उसमें माइनस 1 आ जाता है, फिर प्लस 2 आ जाता है, और बच्चे इनको देखते करते हैं भाई ये तो नहीं होना मेरे से, मैं तो छोड़ दूंगा, छोड़ देते हैं बच्चे। माइनस 6 आ गया, प्लस 5 आ गया, माइनस 1 आ गया, प्लस आ गया, माइनस 1 आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस 1 आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर कोई माइनस 2 आ गया। अब मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी, बस आप समझ के जाना। देखो बेटा, ये इक्वेशन है, बन गई ना इक्वेशन। ठीक है, प्लस प्लस के एक साथ लिखो। देखो अपना अपना करने का एक तरीका होता है, मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि बच्चों को ईजी लगे और उनको थोड़ा सा बेचारों को याद रह जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस के डिजिट उठा लो, प्लस वाली, इसके कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ध्यान रखना। मैं प्लस वाली पे ये कर रही हूँ, टिक कर रही हूँ कि प्लस की है। देखो ये प्लस है ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और आई थिंक ये प्लस नहीं है, ये चेंज हो जाएगी, ये बता दूँ कैसे चेंज होगा, ये प्लस है। तो सारे डिजिट्स तो है ना प्लस प्लस के, उनको पास में लिख लो। ये प्लस 5, या फिर मैं सिंपल बताऊँ ऐड कर लो, एक बार लिखवा देती हूँ फिर आप सॉर्ट में कर लेना। प्लस 5, प्लस 6, फिर प्लस 2, फिर क्या आ गया, प्लस 2 आ गया। देखो मैंने ये उठा लिए प्लस प्लस वाले। ठीक है, अब ग्रीन से मैं किसको शो करूंगी, माइनस वाली को। तो ये माइनस है, गोल सर्किल सर्किल कर रही हूँ, ये माइनस है और ये प्लस माइनस में बदल जाता है, कैसे, ये भी माइनस है। देखो अब कैसे, देखो क्या आएगा, माइनस 2 आया, मैं इनको उठा रही हूँ सर्किल वालों को, माइनस 1 आया, और फिर अब ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं है, देखो कैसे, ये वाली क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जब कोई प्लस आ जाए और जब कोई ब्रैकेट आ जाए, अंदर कोई माइनस या प्लस कुछ का भी साइन आए, तो ये इससे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई, यानी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस, बीच में कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस में हमने पढ़ा था क्या आएगा, माइनस आता है, क्या आता है, साइन माइनस आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, साइन क्या आता है, माइनस का लेके आता है, या फिर हो सकता है बाहर माइनस हो, अंदर क्या हो, प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, ये लिखवाई देती हूँ मैं चारों। तो ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं है, ध्यान रखना ये माइनस है, यहाँ ब्रैकेट है, फिर प्लस है, तो ये इससे क्या, मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई में माइनस होगा, फिर अगर बाहर माइनस अंदर माइनस हो, तो ये भी इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अगर हो सकता है दोनों क्या हो, प्लस हो, तो ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखो मैंने ये लिख लिया ना, तो देखो ये प्लस इस माइनस से टकराएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 1 आ गया। अब देखो सिंपल सा बता दूं, इनको ऐड कर लो प्लस प्लस वालों को, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो सबको, रूल फर्स्ट से माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, मान के चलो और ले लेती हूँ मैं माइनस वाले, आप लोगों को हो सकता है कम लग रहे हो, माइनस 1 ले लिया, माइनस 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 1 और माइनस 3, कुछ नहीं करना, पास पास लेके आना है, लेके आ गए। प्लस प्लस के एक साथ लिखेंगे, माइनस माइनस के एक साथ लिखेंगे, रूल फर्स्ट कहता है, वो रूल दिया गया है, ऐसे कोई फिक्स नहीं होता कि बुकों में रूल फर्स्ट, अपने हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, रूल फर्स्ट कहता है जितने भी प्लस के डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो, मैं ऐड कर रही हूँ, जितने भी माइनस के डिजिट्स होते हैं उनको ऐड कर दो, तो मैं उनको भी ऐड कर रही हूँ। देखो ये है प्लस 5, प्लस 6 ऐड कर दो, रूल फर्स्ट में देखना जितने भी प्लस के नंबर होंगे ऐड होंगे, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए, ये आ गया मेरा 15 नंबर। अभी रुको, 2, 3, 5, 6, ठीक है 7 हो गया, 7। अब दिक्कत ये हो गई, साइन किसका लगाएं, तो देखो ना सिंपल सा है, साइन किसका लगाएं, इनके किसका साइन है, सबके माइनस का साइन है, तो किसका लगेगा, माइनस का साइन है, ये सारी माइनस वाली फॉर्म है ना, और ये सारी कौन सी, सॉरी ये सारी कौन सी फॉर्म में है, प्लस वाली फॉर्म में, सॉरी ये सारी कौन सी फॉर्म में है, प्लस वाली फॉर्म में है, और ये किस में है, माइनस में है, कर दिया ना, तो ये प्लस और ये माइनस, ये वही रूप आ गए ये वाले, तो ये बहुत जरूरी, पहले वो जरूरी है। तो देखो बच्चों किसका ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, प्लस 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा, प्लस है माइनस हमें नहीं पता, हमें इतना पता है मैम 15 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, 15 ज्यादा है,
और 15 में से 7 को लेस करते हैं, लेस कर दिया, कितने बचेंगे बताओ, कितने बचेंगे? 8 बच गए, 8 बचा, किसका बताओ, बड़े डिजिट किसकी है, प्लस के कि माइनस के, जो साइन होता है ना उसके, जो यहाँ साइन है वही लगा दो, प्लस है। अगला देखो, अगले में क्या है, जितने भी प्लस प्लस के माइनस माइनस के हैं, कैसे भी कर लो, आगे माइनस ले लो पीछे प्लस, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने लिए प्लस प्लस वाले, ये प्लस वाले ले रही हूँ, जहां से मेरे को लगेगा ये मेरा प्लस में बदलेगा, ये मेरा माइनस में जाएगा, ये नहीं आएगा, मैं कोई और प्लस का ले लेती हूँ। जैसे अब ये मेरे माइनस वाले आगे ग्रीन से, देखना बेटा ये अपने माइनस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, ये माइनस क्योंकि बदलेगा माइनस में, ये भी माइनस में पलटेगा। अब देखो पहले इसको देखो, मैंने प्लस प्लस के पास लिए, जैसे मैं इसको प्लस वन और कर लेती तो इसको पास ले लूँगा, प्लस फाइव, ये प्लस ठीक है, प्लस वन, ये देखो मैंने इससे बताया था, ये देखो ये वाला रूट, माइनस फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में माइनस, तो माइनस माइनस किस में, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई रूल्स है ना ये, किसके रूल्स हैं, मल्टीप्लीकेशन बनता है इसमें, तो माइनस ब्रैकेट है माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा ये वाला किस में बदल जाएगा, ये वाला प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का वन आ जाएगा, और ये प्लस का वन अगर कन्फ्यूज कर रहा है तो मैंने ये टू लिया है, ये मेरा ये टू है, अब ठीक है डन, टू, ये टू आ गया मेरा, ये टू आने के बाद अब देखो अगला, अब मैं जितने भी माइनस के डिजिट्स हैं वो लिख रही हूँ, माइनस के डिजिट्स बताओ कौन कौन से हैं, माइनस सिक्स लिखा, माइनस वन लिखा, प्लस माइनस, देखो बेटा प्लस माइनस किस में बदलेगा, माइनस का वन आया, प्लस माइनस क्या आया, माइनस का वन आया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, अब ये आ जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, तो क्या आएगा, माइनस का टू आ जाएगा। अगला देखो कौन सा, देखो अगला देखो, फाइव टू सेवन प्लस प्लस के ऐड करेंगे ना, प्लस प्लस के ऐड कर दो और माइनस माइनस के ऐड कर दो, सिंपल, फाइव टू सेवन और ये एट हो गया साइन, अभी रुको, सिक्स टू एट नाइन टेन हो गया, अब देखो जो बनता है वही करेंगे। देखो बेटा ये सारी डिजिट्स किसकी हैं, माइनस की हैं सारी, तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का, इन सबको ऐड करने पर किसका है, प्लस का, ये देखो किसका बना, ये कौन सी वो बनी, ये कौन सी बनी मैं बताती हूँ आपको, तो ये बन गई कि माइनस टेन है और प्लस एट है, ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा चेक करो, ज़्यादा चेक करने पर कौन सा ज़्यादा आ रहा है बेटा, ये ज़्यादा है, टेन ज़्यादा है ना, कौन सा ज़्यादा है, टेन ज़्यादा है, तो टेन में से एट को लेस कर दो, कितना आएगा, टू आएगा, टेन में से एट को लेस किया कितना आएगा, ये बार बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, आपके लिए अच्छा रहे, टेन में से एट लेस किया टू, अब मैम ये दिक्कत हो जाती है कि साइन, बेटा साइन बड़ी डिजिट, जिसका साइन होता है ना बड़ी डिजिट के पास, बड़ी संख्या के पास जो साइन होता है वही साइन बचता है, डन, एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ छोटा सा, देखो जैसे कुछ भी ले लेना, इक्वेशन दे रखी है बोर्ड मास रूल्स में ऐसे ही है, ये माइनस थ्री प्लस टू माइनस फाइव प्लस सिक्स माइनस वन प्लस टू माइनस वन, ये देखो तो क्या करेंगे, प्लस प्लस के पास लिखो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो बेटा, करने के बहुत तरीके होते हैं, ऐसा नहीं होता, ये देखो जैसे प्लस प्लस के पास लिख लो, ये प्लस की, ये भी प्लस की और ये प्लस की, अब माइनस वाले को मैं दिखा रही हूँ अलग कलर से, पहले इनको लिख ही देती हूँ मैं, प्लस टू प्लस सिक्स और प्लस टू आ गया। अगला देखो माइनस वाले डिजिट्स को देखना, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन, पास पास लिखना, कुछ नहीं करना, प्लस की एक तरफ माइनस की एक तरफ, ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस प्लस के ऐड होते हैं और माइनस माइनस के ऐड होते हैं, देखो सिक्स टू ये टेन हो गया मेरा, मैंने ऐड कर दिया, प्लस प्लस के ऐड कर दिए और माइनस माइनस के ऐड कर दिए, फाइव थ्री एट नाइन टेन, प्लस का माइनस का टेन माइनस का टेन और प्लस का टेन, तो ये टेन में से टेन लेस किया तो क्या आएगा, जीरो। अब एक रूल और रह गया है, रूल कितने हो गए कंप्लीट अपने रूल हो गए फोर, एक रूल और है फिफ्थ, वो तो अब थोड़ा याद है तो वो करवा ही देती हूँ अब आपको। रूल फिफ्थ में क्या है कि एक पॉजिटिव रहेगी और एक क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, कैसे देखो, रूल फिफ्थ में रूल आर यू एल, रूल क्या रहेगा फिफ्थ, देखो
इसमें क्या रहेगा, दोनों डिजिट इक्वल होंगी, दोनों डिजिट इक्वल होंगी, ध्यान रखना, कोई भी लिख लेना, 20, 20, 10, मतलब कुछ भी, देखना इस चीज को समझना, 3, 5, 5, देखना, 6, 6। अब मेरी बात सुना, पहला रूल क्या कहता है, लास्ट का दोनों डिजिट सेम रहेंगे, साइन अलग अलग रहेंगे, दोनों सेम है, अमिता तो अमिता, सुमिता तो सुमिता है, चपाती है तो चपाती है, रेड कलर है तो रेड कलर है, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, सुमन है तो सुमन है, अनीता है तो अनीता ही है, तो टेन है तो टेन ही रहेगा। अब हम इसमें कैसे चेंज लेके आएंगे, देखो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की, या फिर ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ये दोनों पास पास रहेंगे। एक बार देखना, मैंने दो डिजिट ली थी जैसे, है ना, ये ले लिए, इनको देखो, मैंने ये ले, 6 ले लिया, 6 ले लिया, इसके माइनस लगेगा, पास पास लिखेंगे बेटा इनको, ये प्लस का 6 आ गया। अब क्या करेंगे, दो डिजिट इक्वल होंगी, एक के प्लस साइन होगा, एक के माइनस साइन होगा, आंसर लेस होके जीरो आता है, कैसे, कटते हैं ये और आंसर क्या आता है, जीरो आता है। कैसे आता है, क्योंकि प्लस के 10 में से माइनस का 10 गया तो जीरो, या फिर माइनस के 10 में से प्लस का 10 गया तो जीरो, समझ आया, ओके। अगला देखो, इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं हम, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही करेंगे, हो सकता है ये ऐसे हो जाए, ये 10 10, हो सकता है प्लस आ गया जाए माइनस, तो सेम ही तो है, हाँ इसमें बस यही चेंज होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, यानी कि ऐसे ही डिजिट्स आएंगी, दोनों सेम आएंगे, एक के प्लस साइन हो और एक के माइनस साइन हो, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के प्लस साइन हो, एक के माइनस साइन हो, 10 में से 10 लेस किया जीरो, ऐसे नहीं दो टाइम दोनों माइनस के, वो अलग अलग रूल से, ध्यान से देखना इनको, करके देखना तब समझ में आएंगे, दोनों सेम है, एक के प्लस साइन, एक के माइनस साइन, हो सकता है प्लस पहले आ जाए माइनस बाद में आ जाए, हो सकता है माइनस पहले आ जाए प्लस बाद में आ जाए, इन सब में से प्लस के 6 माइनस के 6 में से प्लस का 6 लेस किया जीरो, आप ऐसे भी काट सकते हो, कट गया, प्लस 5 में से माइनस 5 लेस किया जीरो, वैसे भी जीरो ही आएगा, प्लस 20 में से माइनस 20 लेस किया जीरो, सीधा भी काट के भी आंसर लिख सकते हो जीरो, या फिर आप वैसे भी जीरो, कोई गलत, ये थे आपके रूल्स इक्वेशन के, आई होप आपको पसंद आएंगे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।